हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में केनोजोल क्रीम के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। केनोजोल क्रीम का मेनली यूज फंगल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने में किया जाता है, जैसे दांत, खाज, खुजली। तो आइए इस क्रीम के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ब्राइटोन फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये 30 ग्राम की क्रीम आपको मेडिकल स्टोर पर 170 रुपए में मिल जाएंगी। बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। बात करते इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। केनोजोल क्रीम में इटोकोनाजोल IP 2% यह कंटेंट समाविष्ट है। बात करते इस क्रीम के यूजेस के बारे में, डॉक्टर से किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस क्रीम का मेनली यूज फंगल इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने में, इसे वजाइनल इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने में। इस क्रीम का यूज एथलीट फुट की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। एथलीट फुट मतलब पैरों की उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन होने की समस्या। इसे जांग पर खुजली आने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस क्रीम का यूज रिंग वर्म की समस्या दूर करने के लिए भी हम यूज करते हैं, जिसे हम दांत भी कहते हैं। इसे सीने पर और पीठ पर धुंधले धब्बे आने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस क्रीम का इस्तेमाल हाथों पैरों पर स्किन इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने में भी यूज किया जाता है। इस क्रीम के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस क्रीम का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसे इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। इस क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर ले और इन्फेक्शन वाली जगह को भी अच्छी तरह से साफ कर ले। इसे अपने हाथों पर थोड़ी सी मात्रा में लेकर इन्फेक्शन वाली जगह पर लगा दे। आप इसे दिन में 2 से 3 बार अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार इस क्रीम का यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस क्रीम के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस क्रीम में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताया गया कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताया गया कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस क्रीम के इस्तेमाल से आपके स्किन में खुजली होना, बाल झड़ना, जलन, अपचन, स्किन में सूखापन होना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस क्रीम को यूज करते समय सावधानियां। अगर आप पहले से कोई अन्य क्रीम लोशन इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस क्रीम का ड्रग इंट्रैक्शन होने की संभावना कम होती है। इस क्रीम को जख्म पर न लगाएं। इस क्रीम को केवल एक्सटर्नल यूज करें, इसे बाहरी इस्तेमाल ही यूज करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन न्यूज मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।